पंजाब भर में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम राज करने का फैसला, बाकी से 31 इजला में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। ट्रैफिक में मजीद 3 रैंक बनाए जा रहे हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रैफिक वार्डन भी शामिल हैं। आपको बताएंगे पंजाब भर में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम राइज करने का फैसला कर लिया गया है, बाकी 31 इजला में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। ईशा खान से मजीद जानते हैं। जी ईशा, बताएगा 31 इजला में भी ट्रैफिक वार्डन सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, क्या तफसील है इसकी? ईशा खान से हम रब्ता करेंगे, आपको बताएंगे। ट्रैफिक में मजीद 3 रैंक बनाए जा रहे हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रैफिक वार्डन शामिल हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट और जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंट की नई भर्तियां की जाएंगी, जबकि लाहौर समेत 5 अजला से 453 वार्डन को उनके अजला में तैनात किया जाएगा, जबकि मनसूबे के लिए 42 करोड़ 37 लाख रुपये के फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। फंड से गाड़ियां, बाइक्स और सामान भी खरीदा जाएगा। ज़राए के मुताबिक आपको बताएंगे मंसूबे के लिए 42 करोड़ 37 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। ईशा खान ने हमें ज्वाइन किया, मजीद जानते हैं। जी ईशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के बाद जो है वो पंजाब भर के अंदर जो है वो ट्रैफिक वार्डन सिस्टम जो है वो राइज करने का जो है वो ये मंसूबा बनाया गया है, और लाहौर समेत पहले 5 अजला के अंदर जो है वो ट्रैफिक वार्डन सिस्टम था, जिसको जो है बढ़ाकर पंजाब भर के अंदर जो है वो राइज किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है वो 42 करोड़ 37 लाख रुपए के फंड भी जारी कर दिए गए हैं, और इस सिस्टम के तहत जो है वो 3 नए रैंक भी जो है वो मुतारिफ कराए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के, जिनमें ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंट जो है रैंक होंगे। ट्रैफिक वार्डन सबसे पहले जो है वो जूनियर तरीन जो है वो रैंक था, अब इसके नीचे 3 मजीद रैंक जो है वो मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जिनमें ट्रैफिक असिस्टेंट के बाद सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट और जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंट होंगे। इस सिलसिले के अंदर जो है ये पंजाब भर के अंदर ये सिस्टम राइज किया जा रहा है, और ये जो 31 अजला के अंदर ये इसको फैलाया जा रहा है, पहले से 5 अजला के अंदर था। इस सिलसिले में जो जहाँ पर पहले से ये सिस्टम राइज है वहाँ से 450 के करीब जो है ट्रैफिक वार्डन उनकी मुख्तलिफ अजला के अंदर जो उनके तबादले किए जाएंगे, और वो अपने अजला के अंदर जाकर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। सही ईशा, आप बताएगा, आपने बताया कि 31 अजला में इस सिस्टम को मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये बताएगा क्या सर्विस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, क्योंकि पहले जो वार्डन तैनात थे 5 अजला में उनको तहफ़ुज़ात थे, क्योंकि उनको प्रमोशंस नहीं मिली थी टाइमली और वो काफ़ी देर तक एक ही ग्रेड पर रहे, इस हवाले से क्या प्लान बनाया गया है? जी बिल्कुल, जो मुख्तलिफ पहले 5 अजला के अंदर जो है वो ट्रैफिक वार्डन सिस्टम था, इसको जो है वो बढ़ाकर पंजाब भर के अंदर जो है वो फैलाया जा रहा है। 31 नए अजला के अंदर जो है वो ट्रैफिक वार्डन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, और इस सिलसिले में 450 के करीब जो ट्रैफिक वार्डन है जो लाहौर के अंदर और गुजरांवाला और मुल्तान के अंदर जो तैनात है उनके तबादले किए जाएंगे अपने अजला के अंदर, ताकि वो अपने आबाई इलाके के अंदर जाके जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दें। और ये जो इस सिलसिले में नए कॉन्स्टेबल्स हैं जो भर्ती किए जाएंगे, और उनको सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पे जो है वो भर्ती किया जाएगा, इनका जो प्रमोशन सिस्टम है वो भी ट्रैफिक वार्डन के हवाले से होगा, और मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन सिस्टम को पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इसमें राइज किया जा रहा है। और इस सिलसिले में फंड भी जो है जारी कर दिए गए, जिससे नई गाड़ियाँ, नई मोटरसाइकिलें और जो इक्विपमेंट्स है वो लिए जाएंगे ऑफिस के लिए। थी